नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग। जी न्यूज देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ पयोधी शशि। और आप तो जानते हैं कि जी न्यूज 25 सालों से आपका, आपके परिवार का ख्याल रखता आ रहा है। कोरोना काल चल रहा है, ऐसे में आपकी सेहत का ख्याल रखना हमारी भी और जिम्मेदारी बढ़ जाती है, क्योंकि ये नैतिक दायित्व है। हमारे देश का योग 6000 साल पुराना है। आपकी सुबह सेहतमंद बनाने के लिए हमने हर दिन आपको योग सिखाने की परंपरा की शुरुआत की है। आज योग गुरु बाबा रामदेव आपका दिन बनाने वाला योग आपको सिखाएंगे। रोज 5 मिनट सूर्य नमस्कार कर ले, और मैं तो रोज कम से कम 100 बार सूर्य नमस्कार, 100-100 बार एक एक पुशअप दंड बैठक में लगाता हूँ। और जो बिल्कुल थोड़े आलसी किस्म के हैं, जो मतलब कुर्सी से इन्हें नहीं चाहते, तो देखो मैं कुर्सी पर ही बैठा हुआ हूँ, और कुर्सी पर बैठ के खाली 5 ब्रीथिंग करने, लंबा श्वास लिया छोड़ा, डीप ब्रीथिंग कर ले। कोरोना का सबसे पहले अटैक और रेस्पिरेटरी सिस्टम पर होता है। तो 1 से 2, 3 मैक्सिमम 5 मिनट आपने कर लिया तो आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम इतना मजबूत हो जाएगा कि कोरोना भी आप पर अटैक करेगा तो कोरोना मरेगा, आप नहीं मरेंगे। तो एक तो ये वसीका करें, दूसरा ही कपालभाति। कोरोना के जो इंटरनल हॉटस्पॉट्स हैं, एक तो लंग है, दूसरा हार्ट है, तीसरा पेनक्रियाज है, फिर पेट है, तो इससे पूरे इंटरनल ऑर्गेन्स स्ट्रांग हो जाते हैं। डायबिटीज से लेकर के पेट की सारी बीमारियां और सारी वीकनेस गायब हो जाती है, इससे इम्यूनिटी हमारी बूस्ट होती है और क्रोनिक डिजीज को हम कंट्रोल कर पाते हैं। फिर है हाइपरटेंशन, हार्ट की प्रॉब्लम, स्ट्रेस, उसको मैनेज करने के लिए और पूरी इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए अनुलोम विलोम, ऑल्टरनेटिव ब्रीथिंग, लेफ्ट से लिया राइट से बाहर, फिर राइट से लिया लेफ्ट से बाहर, तो ये कपाल भाती, अनुलोम विलोम भी कम से कम 5-5, 10-10 मिनट कर लें, और इससे पूरे स्ट्रेस फ्री हो जाएंगे, डिजीज फ्री हो जाएंगे। एक एक सेल, जींस, क्रोमोसोम से लेकर के हमारा पूरा जो सिस्टम है, जिसमें 72 करोड़ 72 लाख पंचकोशम, पंच प्राण है, पंच ज्ञानेन्द्र, पंच कर्मेंद्र, अंतःकरण, चतुष्ट है, और यदि मेडिकल साइंस की दृष्टि से बोले तो 37 ट्रिलियन सेल्स हैं। वो सारे सेल्स एनर्जाइज हो जाते हैं भस्त्रिका कपालभाति अनुलोम विलोम से, भ्रामरी उद्गीत करके हम एकदम स्ट्रेस फ्री हो जाते हैं। प्रोलैक्टिन, कार्टिसोल, एसीटीएस, एड्रेनल आदि स्ट्रेस हार्मोन हमारे खत्म हो जाते हैं, नीचे चले जाते हैं, और जो है बीटेंडोरफिन, इनकैफेलिन, सीरोटोनिन और डोपामिन आदि अच्छे हार्मोन्स हमारे बढ़ जाते हैं। तो इसके लिए भ्रामरी उद्गीत भी कर लें, पहले अंगुली माथे पर, सीधे तले अंगुली आंखों पर, कान अंगूठी से बंद ऐसे, कान अंगूठी से बंद करके पहले अंगुली माथे पर रखे, सीधे तले अंगुली आंखों पर रखकर ऐसे ओमकार का नाद करते हैं, मन अपने आप शांत हो जाता है। भ्रामरी के बाद उद्गीत, ऐसे लंबा गहरा सांस भर के ओम ऐसे बोल लेना। फिर जैसी जिसकी आवश्यकता है उसके अनुरूप कुछ आसन कर सकते हैं। डायबिटीज है तो मंडूकासन कर सकते हैं, मैंने कई बार जी न्यूज पर बताए हुए, और आज नहीं, मैंने तो जी नेटवर्क पर और जी न्यूज पर आज से करीब 20 साल पहले से मैंने योग सिखाया पूरी दुनिया में, क्योंकि जी ग्लोबल हुआ करता था और उस पर मैंने करीब आज 200 करोड़ लोग डायरेक्टली इनडायरेक्टली मुझसे जुड़े, उनको सबको मैंने सिखाया डायबिटीज के लिए मंडूकासन, वक्रासन, पवन मुक्तासन, उत्तानपादासन, नौकासन करें, कमर दर्द के लिए उष्ट्रासन, भुजंगासन, शलभासन, मरकटासन करें, वेट लॉस के लिए अर्धहलासन, पाद वृत्तासन, द्विचक्रिकासन और भुजंगासन 25-50 बार, त्रिकोणासन, कोणासन, जो भी जो जितना कर पाता है, अलग अलग आसन करके, अलग अलग प्राणायाम करके, जिनका बहुत ज्यादा ब्लड प्रेशर हाई है, हार्ट की प्रॉब्लम है, तो शीतकारी कर लें, मन शांत हो जाएगा, एंगर भी कम हो जाएगा। ये शीतली है, ये शीतकारी है, मुंह से सांस लेना, नाक से छोड़ना, पहले जीभ निकाल के
ये सीत ली, फिर जीभ को दांतों के पीछे लगा दिया ऐसी, ऐसी छोटी छोटी क्रियाएं करके, सबूत करके गर्म पानी पिए, खाने के घंटे बाद पानी पिए, खाने चबा चबा करके खाएं, खाना खुश हो करके खाएं, खाना ज्यादा ना खाएं, शाकाहार ही ले, ऐसे छोटी छोटी बातों पर ध्यान ले तो सचिन जी पूरा जीवन रूपांतरित हो जाता है। और दिलचस्प बातें आपको बताते हैं जी जानकारी में। महर्षि पतंजलि को योग का पिता कहा जाता है, भगवान शिव को योग का पहला शिक्षक माना जाता है। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है जो इस वक्त आप देख रहे हैं जी न्यूज पर और जी न्यूज आपके साथ साझा कर रहा है। योग के चिन्ह ओम का हिंदू और तिब्बत दर्शन में जिक्र किया गया है। दुनिया में योग के प्रचार में स्वामी विवेकानंद की महत्वपूर्ण भूमिका है। स्वामी विवेकानंद के 1893 में शिकागो में दिए भाषण में योग का जिक्र है। अमेरिका, ब्रिटेन, जापान, फ्रांस में योग दिवस प्रमुखता से मनाया जाता है। पहले अंतरराष्ट्रीय योग दिवस पर 2 गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बने थे। 2015 में अंतरराष्ट्रीय योग दिवस पर 10 रुपए के सिक्के जारी हुए। अंतरराष्ट्रीय योग दिवस में यूएन के 190 से ज्यादा सदस्य शामिल होते हैं। और अब आपको दिखाते हैं पीएम मोदी की योगा क्लास। तो जी न्यूज आपसे यही कहता है योग कीजिए, निरोग रहिए। और अब आपको हम बताएंगे हलासन के बारे में, तो ये किस लिए और कितना कारगर होता है। ये मांसपेशियां आपकी मजबूत करता है। इस आसन को अगर आप रोज करते हैं तो आपकी मांसपेशियां मजबूत होती हैं। गर्दन, कंधे और पीठ की मांसपेशियों को इससे बल मिलता है। हलासन करने से इम्यूनिटी बढ़ती है, क्योंकि आज के समय में अगर सबसे कोई जटिल मुद्दा बना हुआ है तो इम्यूनिटी कैसे बढ़ानी है। पेट की बीमारियों से आपको ये बचाता है। शुगर को नियंत्रण में रखने में बहुत मददगार साबित होता है। इसी के साथ सिरदर्द और कमर दर्द से आपको ये राहत दिलाता है। नियमित हलासन करने से मोटापा दूर होता है। प्रेजेंटिंग बी न्यूज ऐप, अवेलेबल ऑन गूगल प्ले एंड एप स्टोर। डाउनलोड इट नाउ।